हाँ, दिस इज़ योर 20th वीडियो, वीडियो नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 7. लेट आई रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू. ए लेट ए बी ए सेट एक्स जेड एक्स इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट, एंड कहीं नहीं दिया है तो इनफाइनाइट है. एक्स जेड इवन नेचुरल नंबर, इवन वाले नेचुरल नंबर लेने हैं, यानी कि 2, 4, 6. यहाँ पर एक्स जेड एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड वाले नेचुरल नंबर 1, 3, 5, और यहाँ पर प्राइम नंबर का सेट है. और तीन पार्ट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, और भी पार्ट साइंस के, मैंने अभी तीन ही लिखे हैं. तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे? सॉल्यूशन तो पहले आप लिखेंगे गिवन सेट्स आर, पहले सबको उतारोगे, ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म आप उतारेंगे. तो उसके बाद जो स्टेप आएगा वो मैं करूँगा. देयरफॉर ए, पहले आप ये सेट उतारेंगे ये पूरा, उसके नीचे लिखेंगे ए द्वारा, फिर क्या आएगा? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर कौन होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये होते हैं नेचुरल नंबर. फिर ऐसे ही बी लिखोगे आप, पहले ये बी उतारोगे पूरा, उसके बाद जो लिखना है वो ये है. ये सेट बिल्डर फॉर्म दिए, मैं रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूँ. तो वो लिखा है इवन नेचुरल नंबर. इवन कौन से आएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, वो सारे आएंगे. फिर मैं लिखूंगा सी, लेकिन आप सी पहले ये वाला लिखेंगे, उसके बाद ये आएगा. तो क्या लिखा? ऑड नेचुरल नंबर. ऑड कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11. फिर क्या लिखा है? एक्स जेड एक्स से प्राइम, लेकिन पहले आप ये पूरा यहाँ उतारेंगे, उसके बाद आप डी दोबारा लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, फिर डी निकलेगा. प्राइम नंबर आपको आना चाहिए, सबसे पहला 2 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से पहले आप इनके रोस्टर फॉर्म्स लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. पहला पार्ट इसका ये है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी. तो ए और बी में जो कॉमन है वो देख रहे हैं, ए और बी में. तो ध्यान से देखिए, 2 कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 कॉमन आ जाएगा. ये नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4 भी आना था इसमें, तो 4 भी कॉमन आ रहा है. फिर 5, 6 भी आना था इसमें, 6 भी कॉमन आ रहा है. और एंड में एंड सो ऑन कर दिए, एंड तो कहीं होगा नहीं. तो इस तरीके से आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं. दूसरा पार्ट ए इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन सी. ए ये है, ए में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सी में सिर्फ ऑड है, तो 1, 1 से मिलता है तो 1 आ जाएगा, कॉमन लेने हैं. फिर ऑड में 2 तो होगा नहीं, तो 3 और 3 ऐसे ही, फिर 5, 5 आएगा, फिर 7, 7 आएगा एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सेट बनेंगे. तो तीसरा पार्ट क्या लिखा था? ए इंटरसेक्शन डी. थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में, ए में तो सारे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, डी में सिर्फ प्राइम है, तो 2 और 2 सेम, 3 और 3 सेम, ऐसे ही इसमें 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, इसमें 4 नहीं है, 5 आएगा, तो 5 इसमें भी है, 5 तीन एलिमेंट बने एंड सो ऑन. तो और भी इसमें पार्ट्स हैं, सारे इंटरसेक्शन वाले ही, डबल वाले ही, कोई 6 पार्ट्स हैं, वो 3 आप खुद कर लीजिए, वो इजी है. अब ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिख दिया है, हमें इसके भी 3 पार्ट्स हैं हमारे. ये पहला पार्ट मैंने लिखा है, विच पेयर्स आर डिसजॉइंट सेट्स. ये दो दो का पेयर दिया है, एक सेट ये है एक ये, तो आपको बताना है ये डिसजॉइंट है या नहीं है. तो डिसजॉइंट का कैसे पता चलता है? डिसजॉइंट का दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन. अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो फिर वो डिसजॉइंट होता है. इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. सॉल्यूशन इनको लेट कर लो, ए लेट ए पहला सेट आ गया 1, 2, 3, 4, इसको मैंने ए मान लिया, एंड इसको बी मान लो, बी इक्वल टू ये पूरा उतारेंगे आप, एक्स जेड एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 6. मतलब इसमें नेचुरल नंबर लिखने हैं, लेकिन कहाँ से? 4 से लेकर 6 तक, और 4 के साथ इक्वल लगा है, 6 के साथ इक्वल लगा है, तो 4 भी लेना है और 6 भी लेना है. तो दैट इज़ यहाँ लिख लीजिए, दैट इज़ वी इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म आ जाएगी ना, 4, 5, 6, क्योंकि उसने बोला 4 से लेकर 6 तक की नेचुरल नंबर लेनी. तो अब इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी. तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेते हैं, तो कॉमन 4 इसमें है तो इसमें भी है, तो ये खाली नहीं है, तो इज़ नॉट इक्वल टू 5.
फाई नहीं आया, अगर ये फाई आ जाता फिर ये डिसजॉइंट हो जाने थे। सो ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, पहला तो नहीं आया। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं, पहले सेट में दिया है ए ई आई ओ यू, दूसरे में दिया है सी डी ई एफ, तो ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, तो कॉमन है, ये भी नहीं है डिसजॉइंट। करना आपने वैसे ही पहले लेट करना है इसको ए, इसको बी, फिर इंटरसेक्शन निकालना है, फिर ई बीच में आ जाएगा, फिर आप लिखोगे इज नॉट इक्वल टू फाइव, सो द गिवन पेयर इज नॉट डिसजॉइंट। अब मैंने ये थर्ड पार्ट लिख दिया है यहाँ, पार्ट नंबर थ्री, उसमें क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, मतलब पहले सेट में सिर्फ इवन वाले इंटीजर है और दूसरे में देख लीजिए ऑड वाले इंटीजर है। इवन हो गए जैसे 0, 2, 4, 6, पीछे चलोगे तो -2, -4, -6, ऑड कौन से हो गए 1, 3, 5, अगर बैक साइड पे जाओ तो -1, -3, -5, तो इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो इसलिए ये डिसजॉइंट सेट हैं। तो क्या करेंगे, लेट करेंगे इसको ए, इसको बी, फिर नीचे लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव, हेंस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।